रांची में 13 जनवरी से महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स का आयोजन हो रहा है। इसमें 8 देश की टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें से 3 टीमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली है। तो यहां पर जो मुकाबला होने जा रहा है तो वो 3 टीमें कौन कौन सी होंगी, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये है कि भारत की महिला हॉकी टीम के लिए रांची जो है वो शुभ साबित होगा और ये माना जा रहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम यहां से पेरिस का टिकट कटाने में सफल होगी। तो इसकी क्या वजह है कि ये माना जा रहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम रांची में जो है ओलंपिक क्वालिफाई कर जाएगी महिला हॉकी में, आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत विमेंस हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के अपने पहले मैच में 13 जनवरी को अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। भारत की महिला हॉकी टीम उसके लिए लगातार प्रैक्टिस भी कर रही है और प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस मैचेस खेले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि ये जो ओलंपिक क्वालिफायर्स विमेंस हॉकी के लिए रांची में हो रहा है उसमें भारत ही फेवरेट है। तो क्यों है भारत फेवरेट, अगर हम इसकी बात करें तो उसकी जो सबसे पहली वजह है वो पहली वजह ये है कि रिसेंट पास्ट में पिछले 2-3 सालों में भारत की महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसे आप अगर टोक्यो ओलंपिक से लेकर चलें जहां मेडल जीतने से तो चूक गई थी भारतीय महिला हॉकी टीम, लेकिन वो 4th स्थान पर रही थी, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और उसके बाद से फिर जो है WSET वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, वहां उसने खिताब जीता, एशियन गेम्स में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो जो टूर्नामेंट्स भारतीय महिला हॉकी टीम खेल रही है 2020 के बाद से उसमें उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, टीम कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट दिखा है और एक आप कहते हैं ना ब्लेंड, मतलब जहां एक्सपीरियंस भी है और युवा खिलाड़ी भी हैं, वो एक सामंजस्य जो है इस टीम में देखने को मिलता है और इसी वजह से जो है भारतीय टीम को रांची में फेवरेट माना जा रहा है। अब अगर हम दूसरी वजह पर जाएं तो देखिए अब बीट है भारत की महिला हॉकी टीम और उसके पीछे कारण भी है। हालांकि हाल ही में जो आपको वैलेंसिया स्पेन में 5 नेशंस विमेंस हॉकी टूर्नामेंट हुआ उसमें भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले जिस तरह का प्रदर्शन भारत की महिला हॉकी टीम ने किया है वो लाजवाब था। अगर आप एशियन गेम्स में देखें तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में चीन से हार जरूर गई थी लेकिन फिर उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर जो बाकी मैचेस उसने खेले और उसमें जिस तरह से अटैकिंग हॉकी खेली उससे लगता है कि भारतीय टीम जो है वो रांची में फेवरेट है और इसीलिए माना जा रहा है कि यहां उसे पेरिस का टिकट मिल जाएगा। और इन जीतों से जो कि विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में ही हुआ था और यहां पर जो है महिला हॉकी टीम ने वो टाइटल जीता था तो इससे भी जो है टीम का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है। और कुछ दिनों पहले कोच जो है शॉपमैन उन्होंने ये बातें कही भी थी कि टीम रांची जाने के लिए बिल्कुल बेसब्र हो रही है क्योंकि वो एक आप कहते हैं ना गुड लक चार्म रांची जैसा हो गया है उनके लिए, तो इस वजह से भी जो है भारतीय टीम को फेवरेट माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप रांची में खेलते हैं तो यहां के पिच की नॉलेज आपको अच्छी है, मतलब एस्ट्रोटर्फ जो है तो उसकी क्या स्पीड है, किस गति से गेंद इस एस्ट्रोटर्फ पर आती है, उसका एक अच्छा खासा अनुभव भारत की महिला हॉकी टीम को हो गया है क्योंकि वो विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में यहां पर खेल रही थी और चैंपियन बनी थी, उसके बाउंस के बारे में अंदाजा हो गया है, यहां जो फ्लड लाइट्स हैं उसमें किस तरह की रोशनी रहती है और उसके साथ जो एक एकोमोडेट करने की बात होती है, एडजस्ट करने की बात होती है, वो कर पाने में भारत की महिला हॉकी टीम सफल रही है और अब उसका उसको एक्सपीरियंस हो गया है तो उसका लाभ भी इस टूर्नामेंट में मिलेगा, इसकी संभावना जो है वो पूरी की पूरी है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो भारत की महिला हॉकी टीम है उसमें 4 लोकल खिलाड़ी हैं, 4 प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं तो अगर आप देखिए तो सलीमा टेटे हैं, निक्की प्रधान टीम की उपकप्तान है, ब्यूटी डिंगडुंग है और उसके अलावा संगीता कुमारी हैं। इसमें अगर आप ब्यूटी
किंगडुंग को छोड़ दीजिए तो बाकी तीन वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी टीम में थी, और ब्यूटी जो है वो उनका गेम बहुत ही बेहतर है और उन्हें भी बहुत प्रतिभाशाली माना जाता है। तो ये चार खिलाड़ी झारखंड की हैं, तो इसका फायदा भी जो है भारत की महिला हॉकी टीम को मिलेगा। लोकल खिलाड़ी होने से वो यहाँ की परिस्थितियों को, यहाँ के मौसम को वो जीती रही हैं, तो इसका जो फायदा होता है उस वो लाभ जो है भारतीय टीम को मिलेगा। अब इसमें से भी आप देख कर चलिए तो निक्की प्रधान टीम की उपकप्तान है, सलीमा टेटे टीम का अभिन्न हिस्सा है मिडफील्ड में, और संगीता कुमारी अभी भारत की बेस्ट स्ट्राइकर है इस प्रेजेंट टीम में। तो ये तीन खिलाड़ी तो समझिए प्लेइंग 11 में रहेंगे, तो 11 में से तीन खिलाड़ी तो लोकल, इसके अलावा ब्यूटी डुंगडुंग जो है वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर वो आती जाती रहेंगी पिच पर, तो इसका फायदा भारतीय महिला हॉकी टीम को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रांची में जो एक बड़ा फायदा है वो है दर्शकों का समर्थन। अगर आप विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को याद कीजिए तो वहां पर आपने देखा होगा कि दर्शकों का अपार समर्थन जो है वो भारत की महिला हॉकी टीम को मिला था, और वो जो दर्शकों का एक शोर उभरता है उससे जहां भारतीय महिला टीम का उत्साह वर्धन होता है, टीम का टेम्पो हाई होता है, वहीं जो अपोनेंट टीम होती है उनका मनोबल गिर जाता है, उनकी खिलाड़ी जो है वो उस प्रेशर में आ जाती हैं, तो इसका लाभ जो है रांची में भारतीय महिला हॉकी टीम को मिलेगा और इसलिए जो है उन्हें फेवरेट माना जा रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से रांची में जो ओलंपिक क्वालिफायर्स महिला हॉकी का हो रहा है उसके लिए भारत की महिला हॉकी टीम को फेवरेट माना जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि रांची में भारत की महिला हॉकी टीम को पेरिस का टिकट मिल जाएगा और पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन आगे करेगी। फिलहाल इस ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए भारत की महिला हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।